आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए मूंग दाल टोस्ट, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है और ये विटामिन से भरपूर है, और जो वेट लॉस पर है वो भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना चीज़ी चीज़ी दिख रहा है। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर रात 2 से 3 घंटे पहले ना मूंग दाल भिंगो दिया था। तो ये मूंग दाल हमारा छिलका वाला है, आप चाहो तो धुली हुई मूंग दाल ले सकते हो। तब इसको मैंने पानी से निकाल कर फिर से धोकर मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो अदरक यहाँ पर कम डालेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा अदरक कम मैं डाल रही हूँ। अब इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे, तो देख सकते हैं बिल्कुल हमने महीन इसको पीस लिया है। अब इसको निकाल लेंगे कोई सा एक बड़े सा बर्तन में, आप इसे सुबह के नाश्ता में बना लो, या इसका चीला भी बहुत अच्छा लगता है। तब देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही बारीक इसको पीसा है। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे, तो सब्जियाँ आप अपने पसंद से यहाँ पर ले सकते हो जो घर में है वो। मैं यहाँ वाली हूँ 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 1 प्याज मीडियम साइज का, और थोड़ी सी पत्ता गोभी। ऐसे भरपूर मील तैयार हो जाता है जिसमें दाल भी है, सब्जियाँ भी है और ब्रेड भी रहती है, तो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बच्चे इसे बड़े चाव से भी खा लेते हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सब्जियाँ सारा ऐड कर देंगे हम अपने जो मूंग दाल को पेस्ट बनाया था उसमें डाल देंगे, दाल के पेस्ट में। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया ढेर सारी। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और 1/4 चम्मच में इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और 1 चम्मच में इसमें पाव भाजी डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में घुल मिल जाए। अरे देखिए सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेंगे अपना ब्रेड, तो यहाँ पर हमने व्हाइट ब्रेड का यूज किया है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, और ही हेल्दी बन जाएगा। अब ब्रेड के ऊपर ना हम जो मिक्सचर बनाए थे ना सब्जी और मूंग दाल का, तो इसके ऊपर फैलाते जाएंगे। इस अभी हम इसमें बटर या घी कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम ना मूंग दाल का पेस्ट ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है, पैन गरम कर लीजिए या ग्रिल पैन ले लीजिए, कुछ भी बढ़िया सेक सकते हैं। तो इसमें हम लगा रहे हैं घी, हम इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसे घी से सेक रहे हैं, आप चाहो तो बटर या तेल से सेक सकते हो। अब जिस साइड हमने ये मिक्सर लगाया ना उसी साइड से हम सेकेंगे, एक बार में जितनी आएगी उतनी सेक लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा 2 ही आ रहा है, तो दोनों को फिर इसके ऊपर हम ना अपना जो एवेटर है ना सब्जी और मूंग दाल का, इसका फिर से हम फैला देंगे इसके ऊपर, दोनों तरफ से ब्रेड कवर हो जाएगा इस सब्जी और दाल के बेटर से, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको मध्यम आंच पर सेकेंगे, मध्यम आंच पर सेकेंगे ना बहुत ही अच्छी सिक जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से हमारा ब्रेड हो गया था ना, ये टोस्ट सेक गया था, तब उसको उठाकर हम इसकी दूसरी साइड थोड़ी सी ये तिरछी हो गई थी, तो इसको साइड में कर लेंगे और फिर इसको उठाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर घी लगा देंगे दूसरी तरफ सेकने के लिए, और इसको थोड़े से ना पलटा से दबाते हुए सेकेंगे ना, तो और भी क्रिस्पी बनेगा अंदर, ब्रेड हमारा अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है।
तो ऐसे ही हम इसको उलटते पुलटते हुए मध्यम आंच पर सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड हमारा पहला वाला बैच सेक चुका है, तो इसमें हमने चीज का यूज नहीं किया है। और चलिए फिर ऐसे ही दूसरा बैच हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी हमारा सेक चुका है, अब इसमें हम चीज़ डाल रहे हैं ताकि बच्चे और भी चाव से खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ का सलाई डाल दिया है, अगर आपके पास चीज़ क्यूब है वो भी डाल सकते हैं या मोजरेला चीज़ भी डाल दीजिए, और चीज़ नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालकर चीज़ मेल्ट होने तक इसको सेका है। अब हमारा ये गर्मा गर्म मूंग दाल टोस्ट बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे बच्चों को देंगे ना टिफिन में, तो बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे। और इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म टमाटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखने में जितना सुंदर दिख रहा है स्वाद में उतना ही स्वादिष्ट है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस करें।